नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। टीचर बनाने के लिए शिक्षा पदाधिकारी ने मांगा 8 लाख घूस, कहा वीडियो से लेकर सीएम ऑफिस तक है सेटिंग, जेल यात्रा वाले भाई को भी बनवा दिए हैं मास्टर। बिहार में शिक्षक नियोजन में धांधली का खुलासा हुआ है। 8 लाख रुपए लेकर अयोग्य अभ्यर्थी को भी शिक्षक बनाने की घटना सामने आई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद इस सेटिंग में शामिल है जो 8-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर शिक्षक बनाने का दावा कर रहे हैं। शिक्षा पदाधिकारी का दावा है कि नीचे से ऊपर तक टाइट सेटिंग है, वीडियो से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक मैनेज है। दरअसल यह मामला बिहार के मधेपुरा जिले का है। यहां एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी 8-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर टीचर बनाने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव का है। वायरल ऑडियो में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव गुड्डू नाम के एक शख्स से बात कर रहे हैं और नियोजन के नाम पर 5 की जगह 8 लाख की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा से ऑडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल ऑडियो में मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव किसी गुड्डू नाम के एक शख्स को बता रहे हैं कि घूस में ली जाने वाली राशि ऊपर तक पहुंचाई जाती है, नियोजन कार्य में लगे शिक्षक तक को उसके हैसियत के आधार पर कमीशन दिया जाता है। हालांकि इस ऑडियो के खबर में कितनी सच्चाई है इसका दावा हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज नहीं करता है। पंचायत चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमा पर बढ़ी चौकसी, बिहार नेपाल सीमा पर भी नाकेबंदी। बिहार में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता में फिलहाल सबसे ऊपर है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसे देखते हुए अब सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। बिहार में लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डीजी को भी पत्र लिखा है। एसएसबी के डीजी से आग्रह किया गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाए। पंचायत चुनाव में पड़ोसी राज्यों से आने वाले अपराधी गड़बड़ी कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाके में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है। बॉर्डर वाले इलाके पर खास तौर पर नाकेबंदी रखी जाएगी ताकि चुनाव के दौरान अपराधी या दबंग किस्म के लोग कोई गड़बड़ी ना कर पाए। पड़ोसी राज्यों के साथ साथ बिहार के नेपाल से सटी सीमा पर भी सुरक्षा मुस्तैद करने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से अर्धसैनिक बल और एसएसबी के जवानों की तैनाती सीमा वाले इलाकों में है। नेपाल से बिहार या बिहार से नेपाल आने जाने को लेकर कोई रोक तो नहीं होगी, लेकिन चुनाव के दौरान खुली सीमा का फायदा उठाकर कोई गड़बड़ी ना फैला पाए इसके लिए पूरी मुस्तैदी रखी जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी लेकिन जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की हुई बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक में लिए गए फैसले सामने आ गए हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं रहेंगी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि काउंसिलिंग को ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकतर राज्य इस विचार में सहमत नहीं दिखे। इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई कमी नहीं होने जा रही है। आम आदमी जिसे उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर जीएसटी के दायरे में आती है तो उसे राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि काउंसिल ने तेल विपणन कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए दी जाने वाली बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। हालांकि इस छूट का फायदा तेल कंपनियां ग्राहकों को देती है।
बिहार में अब किसान बन गया करोड़ों का मालिक, अचानक से बैंक अकाउंट में आए 52 करोड़ रुपए। बिहार में बीते कुछ दिनों से लोगों के बैंक अकाउंट में अचानक से ढेर सारे पैसे आने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक और मामला अब मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां अचानक एक बुजुर्ग के बैंक अकाउंट में 52 करोड़ आने से लोग हैरान है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के राम बहादुर शाह अपने वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए सीएसपी संचालक के पास गए थे, लेकिन जैसे ही खाता चेक करवाने के लिए उन्होंने अंगूठा लगाया तो सीएसपी संचालक चौंक गया, क्योंकि बुजुर्ग राम बहादुर के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपए थे। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई। बुजुर्ग ने बताया कि वह खेती करके जीवन यापन करते हैं, सरकार से यही मांग करेंगे कि वह उस राशि से कुछ हमें भी मुहैया करा दिया जाए, जिससे हमारा बुढ़ापा गुजर जाए। वह इसी मामले पर उनके बेटे सुजीत का कहना है कि हमारे पिताजी के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपये आ गए हैं, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, सरकार द्वारा मदद की जाए। पटना से इन शहरों के लिए अब नई बस सेवा, वाराणसी और रांची के लिए पीपीपी मोड में परिचालन। पटना में नए बस स्टैंड की शुरुआत के साथ बस सेवा को बिहार और अन्य राज्यों के लिए ज्यादा बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में अब पटना में वाराणसी, रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए नई बसों का परिचालन पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा। पटना से राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों के लिए नई बसें चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए जल्द ही टेंडर भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की तरफ से अभी कोई बस नहीं चलाई जा रही है। इधर रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों के लिए जो बसें पहले से चलाई जा रही थी, उन्हें कोरोना काल में बंद कर दिया गया है। फिलहाल पटना से झारखंड के शहरों के लिए केवल प्राइवेट बसें ही चल रही है, लेकिन अब निगम इस दिशा में पहल करने जा रहा है। अब बिहार में जमीन विवाद को लेकर पुरानी व्यवस्था, निजी रैयती जमीन का केस DCLR देखेंगे। जमीन विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर नीतीश सरकार एक के बाद एक फैसले कर रही है। राज्य में निजी रैयती जमीन के विवाद को लेकर विभाग में अब एक और बड़ा फैसला किया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी कि DCLR अब निजी रैयती जमीन के विवाद से जुड़े केस भी देखेंगे। खास बात यह है कि किसी भी विवाद में उनकी तरफ से दिए गए फैसले की अपील अब सीधे प्रमंडलीय आयुक्त के कोर्ट में की जा सकेगी। DCLR की तरफ से जमीन विवाद के फैसले को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी और संबंधित थाने को होगी। प्रदेश में पहले भी यह व्यवस्था लागू थी। DCLR रैयती जमीन से जुड़े विवाद को देखते थे, लेकिन 5 साल पहले इसे खत्म कर दिया गया था। अब एक बार फिर 5 साल बाद DCLR को रैयती जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे की जिम्मेदारी दे दी गई है। राज्य में जमीन विवाद के निराकरण अधिनियम 2009 फिर से पुराने रूप में लागू हो गया है, जिसके तहत यह अधिकार DCLR को मिला है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन से जुड़े छोटे विवादों को लेकर लोग सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे। सिविल कोर्ट में ऐसे मामलों के निपटारे में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता था। DCLR कोर्ट से फैसला जल्दी आ जाएगा और उसकी अपील भी कमिश्नर कोर्ट में की जा सकेगी। NIT पटना में अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कोर्स को लेकर तैयारी शुरू। NIT पटना हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही यह देश का पहला संस्थान होगा जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हिंदी भाषा में पढ़ने का विकल्प मिलेगा। NIT पटना के निदेशक प्रोफेसर PK जैन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को सत्र 2021-22 से हिंदी सहित 8 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री देने की अनुमति दी है। NIT पटना के प्रोफेसर PK जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किए जाने का प्रावधान है। इसको ध्यान में रखते हुए NIT पटना में BTech फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू हो रही है। यह नए सत्र 2021-22 से ही शुरू हो जाएगा, यह ऑप्शनल रहेगा। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने पर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई निर्भर करेगी। प्रोफेसर जैन ने बताया है कि नई शिक्षा नीति के प्लान करने के लिए NIT पटना पूरी तरह से तैयार है। नए कोर्स व नए पाठ्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं।
अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 को मंजूरी दे दी है। हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि ब्रिजिंग ट्रायल होता क्या है। दरअसल कोई दवा या टीका अगर दूसरे देश के निवासियों पर सफल साबित हो चुका है, तब ये भी देखा जाता है कि हमारे देश की परिस्थितियों में लोगों पर वह किस हद तक कारगर होगा। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार की संस्था ट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली रूस की कंपनी के भारत में पार्टनर्स हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। फेज 3 का ट्रायल ही ब्रिजिंग ट्रायल होता है। इससे पहले रेड्डीज लेबोरेटरी ने स्पुतनिक लाइट से संबंधित दूसरी सारी जानकारी यानी कि सेफ्टी, इम्यूनोजेनेसिटी और एफिकेसी डाटा जमा किया था। सारे कागजातों को मिलाने के बाद कंपनी को इसकी इजाजत दी गई है कि वह इसका ट्रायल करे कि भारत में ये कितना असरदार होगी। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। बिहार में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति भी रुकी पड़ी है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मध्य अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों को 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने फैसले पर दोबारा सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि राज्यों को यह निर्णय करना है कि वह कैसे इसे लागू करेंगे। विभिन्न राज्यों में प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण देने में आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई के 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को निर्देश दिया है कि वे अब उन मुद्दे की पहचान करें जो उनके लिए अनूठे हैं और 2 सप्ताह में ऐसे मामलों की जानकारी दें। इनके साथ ही मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह नागराज और जनरल सिंह मामले को फिर से नहीं खोलेगा। मालूम हो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी एसटी की प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। चुनाव किसी भी तरह के हो, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है, तो तरीका ऐसा हो कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि 1.5 साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह चुनाव की वजह से न रुक जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।